द कश्मीर फाइल्स से पूरी दुनिया को झंझोड़ने के बाद डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री अब इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री ने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए अत्याचार को फिल्मी पर्दे पर दिखाया था। फिल्म को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी। अब विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स 2 की तैयारी कर ली है। इसका नाम द दिल्ली फाइल्स होगा। फिल्म 2024 में रिलीज होगी। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स के सीक्वल की जानकारी ट्विटर पर दी और साथ ही कहा वह दर्शकों को निराश नहीं करेंगे। विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बहुत सारे आतंकी संगठन, पाकिस्तानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब शिवसेना व अर्बन नक्सल भी मुझसे द कश्मीर फाइल्स 2 के बारे में पूछ रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना शुरू कर दो। विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि पार्ट 2 का नाम द दिल्ली फाइल्स होगा और ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। मात्र 25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। जहां लोगों को विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म पसंद आई, वहीं एक वर्ग ने इसकी आलोचना भी की थी। प्रकाश राज से लेकर नाना पाटेकर समेत फिल्म इंडस्ट्री के कई हस्तियों ने द कश्मीर फाइल्स की आलोचना की थी। इस फिल्म को समाज को बांटने वाला तक बताया था। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म के सीक्वल यानी द दिल्ली फाइल्स को लेकर एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी ये फिल्म 1984 के काले अध्याय पर आधारित होगी, जिसमें 84 के सिख दंगों की सच्चाई दिखाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म में तमिलनाडु से जुड़ा सच भी पता चलेगा। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।